सो फाइनली गाइज, यू व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन 17.10.0 अवेलेबल है। आप अगर आप चाहें तो आप उसे अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने तो अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद कुछ चीज़ें चेंजेस में आई हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। फिलहाल पहले मैं आपको चेक कराता हूँ, मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, जाता हूँ यू सेटिंग्स पे। सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्जन 17.10.0। ये लेटेस्ट अपडेट है, ये अपडेट आया है 21st of August 2021 को, यानी कि करीबन आप कह सकते हैं कल आया था इसका अपडेट। और अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपडेट किया है, अपलोड कर दिया है, आपको बताया है कि अगर आपको अपडेट करना नहीं आता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने यू व्हाट्सएप को अपडेट की ज़रूर कर लीजिए। अपडेट करने में पहली चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पे यू व्हाट्सएप के इस अपडेट में हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है 21st August 2021 का। इसके अलावा अगर हम फीचर्स के बेसिस पे बात करें तो मैंने आपको चीज़ें कुछ तो दिखा दी हैं, आप देख भी दिए होंगे। यहाँ पे ऐड ब्लॉक करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हालांकि अभी ये फुल्ली वर्किंग नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब ये है कि अभी चूंकि इसमें आपको एड्स दिखाई देते हैं, अगर आप ऑफिशियल वर्जन यूज़ करते हैं, चाहे आप FM का यूज़ करें, यू का यूज़ करें या फिर आप GB का यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको एक बार फिर से चेक कराता हूँ, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, वी ऑफर द लाइफ टाइम फ्री मेम्बरशिप टू एवरी यूजर्स, ऑल यू नीड टू इंस्टॉल दीज स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन, देन यू कैन गेट द फ्री मेम्बरशिप एंड एन्जॉय द दीज फीचर्स बिलो। यानी यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इन एप्लीकेशन जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी ये ऑप्शन वर्किंग तो नहीं है, लेकिन ये गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ये ऑप्शन वर्किंग में आ जाएगा तो आप कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे जिनको आपको इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन पर, उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एड्स नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे अनलॉक 5 हॉट थीम्स आपके अनलॉक हो जाएंगी, प्राइवेसी डाउनलोड यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, आप अगर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये कमिंग सून में है। हालांकि कुछ और भी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये तब आपके काम में आएंगे जब आपका ये प्रॉपरली वर्किंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेम ऑप्शन काम करता है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेम ऑप्शन काम करता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये काम करेगा, कमिंग सून में ही है, अभी ये जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक मेजर अपडेट में आपको एक ये देखने को मिल जाता है। सेकेंड चीज़, बाकी मुझे कुछ खास बदलाव नहीं दिखते हैं। अगर मैं क्लिक करके यहां से अगर मैं कॉन्टैक्ट को हाइड करता हूं, चूंकि पहले इशू था कि हम अगर कॉन्टैक्ट को हाइड करते हैं तो हाइड करने के बाद वो चीज़ें यहाँ पर आप देखिए हाइड तो हो गया है, लेकिन अगर मैं बाहर से जाकर सर्च बॉक्स में वो चीज़ टाइप करता हूँ तो अभी भी वो सर्च में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड चैट अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है जितना हमें उम्मीद थी कि अगले अपडेट में शायद ये चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। तो यू व्हाट्सअप में बाकी अगर मैं देखूँगा आपको तो मुझे कोई खास चेंजेस नहीं दिखाई दिए हैं। जो मेजर चेंजेस में मैं बात करूंगा तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐड ब्लॉक करने का ये फीचर अभी फिलहाल फुल्ली वर्किंग नहीं है। बाकी अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो नीचे प्लस बटन पे हिट करिए, थीम्स आप अनलिमिटेड डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको चेक करके एक बार कस्टमाइज़ करके दिखा भी देता हूँ। होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने के लिए एडिट पे जाइए, जैसे आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर कुछ शो करेंगे, अगर आप चाहें तो ये लगा लें, अदरवाइज हिट करें। हिट करने के बाद जो भी, मान लीजिए मेरे केस में कोई एक वॉलपेपर पड़ा हुआ होगा, मेरी कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, मान लीजिए मैं कोई एक वॉलपेपर यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये मान लीजिए मेरा एक वॉलपेपर पड़ा हुआ है, एक फ़ोटो है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब जब आप डन करेंगे तो प्रीव्यू देखना है तो आप देख लीजिए, नीचे से हिट करिए, प्रीव्यू दिख गया आपको। अप्लाई करना है तो सेव पे क्लिक करिए और अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन अप्लाइड हो गया। अब मैं ज़रूर एक बार बैक जाके आपको दिखाता हूँ, हालांकि बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए थीम अप्लाई हो भी गई है और यहाँ पे काम कर रही है। एक बार, कई बार आप लोग मेरे से बोलते हो कि सर यहाँ पर होम स्क्रीन में हम वॉलपेपर नहीं लगा पा रहे हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको वैसे ही लगाना है। अब मुझे हटाना होगा तो फिर से मैं वहीं जाऊंगा, वहीं जाने के बाद आपको होम स्क्रीन पे जाना है, यहाँ से आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद अगर आपको मान लीजिए वाइट कलर था बाय डिफ़ॉल्ट, वही लगाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप जाइए कलर पे डायरेक्टली और यहाँ पे वाइट कलर मुझे चूज़ करना है तो मैं यहाँ से कलर पे जाऊँगा, वाइट कलर एंड देन ओके एंड देन सेव। सेव करने से अब यहाँ पर आप उसको सेव कर दीजिए लास्ट में आके फिर से, एंड देन इट्स ऑल डन, काम लगभग हो गया है आपका, यहाँ पे फुल्ली वर्किंग है, अब ये काम आपका कर जाएगा। तो ये चीज़ें तो ठीक हैं और काम भी कर रही हैं। चलिए मैं आपको एक बार वॉलपेपर भी लगा के दिखा देता हूँ,
तो यहाँ से मैं कॉन्वर्सेशन पे वॉलपेपर लगाता हूँ, हिट करता हूँ, हिट करने के बाद कॉन्वर्सेशन पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद आपको यहाँ से एडिट करते हुए फिर से कोई भी इमेज अब हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे चला जाता हूँ, मान लीजिए कोई एक फ़ोटो पड़ी है मेरी, तो मैं उसी पर क्लिक करता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डन करूँगा, डन करने के बाद आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख लीजिए। ये प्रीव्यू रहा, बात करते समय स्क्रीन अंदर कुछ ऐसे दिखाई देगी, आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ से सेव बटन पर हिट करेंगे और हिट करने के बाद आपकी थीम अप्लाई हो जाएगी। अभी हम करेंगे क्या, हम यहाँ से इसको एक बार रीस्टार्ट करके ज़रूर चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं करता क्या हूँ, मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ से एक होम एक स्क्रीन को ओपन करेंगे और आप देख लीजिए फुल्ली वर्किंग है और ये अभी अभी जस्ट मैंने आपके सामने अप्लाई की है और ये काम कर रही है। तो प्लीज़ आप लगाने की कोशिश करिए, लग जाएगा, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, नीचे आप जाएंगे कॉलर फोन में, आप हिट करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल एक ही कॉलर फोन वर्किंग है, ऑप्शन तो सॉरी दो और अभी अवेलेबल है। जीबी में तो फिलहाल अभी हमने देखा था लास्ट टाइम सिर्फ एक ही वर्किंग था, लेकिन यहाँ पे दो और हैं, आप अगर चाहें तो आप उनको हिट करके आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। देखिए डाउनलोडिंग शुरू भी हो गई है, मेरे केस में मुझे फिलहाल यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से हिट करके आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको कस्टम प्राइवेसी नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन आपको वॉइस चेंजर या लॉक कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐप को लॉक करना है तो आपको ऐप को लॉक करने के लिए यहाँ से आपको जीबी सेटिंग्स सॉरी यू सेटिंग्स पे तो नहीं जाना है। यू सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको ऐप लॉक का फीचर नहीं मिलता है, लेकिन उसका एक एक्सटर्नल फीचर है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से सेटिंग ऑप्शन पे जाकर अकाउंट्स पे जाएंगे, प्राइवेसी पे जाएंगे एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको इनेबल कर लेंगे, इनेबल करने से आपका काम हो जाएगा। ये एक ऐप लॉक के तरीके काम करेगा। तो अब ये हर एक ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, अगर आप ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं चीज़ें दिखाऊं तो ये सारे वही ऑप्शन है सेम टू सेम। इस पे अगर कुछ नहीं तो कम से कम मैं 50 वीडियोस बना चुका हूँगा, आप जाकर उनको चेक कर लीजिए, आपको फीचर्स पता चल जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे यूट्यूब सेटिंग्स पे दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। लास्ट इन फ्रीज करना हो, चाहे हाइड करना हो, चाहे डिसेबल करना हो, फॉरवर्ड टैग, सारे ऑप्शंस पहले जैसे ही हैं, तो आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आप कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको हाइड करना है, सेकंड टिप, ब्लू टिप, तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि इन ऑप्शंस को मत छेड़िएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आपको मैसेजेस को आने जाने में आपको दिक्कत हो जाए। बाकी होम स्क्रीन पे जाके फ्लाइट मोड को इनेबल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। डीएनडी को ही हम लोग फ्लाइट मोड कहते हैं। आप लोग कई बार एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मुझसे, सर अगर हमें फ्लाइट मोड इनेबल करना है व्हाट्सअप जीबी व्हाट्सअप या यू व्हाट्सअप पे तो कैसे करेंगे। होम स्क्रीन पे आइए, यहाँ से डीएनडी ऑप्शन को इनेबल करिए, डीएनडी ऑप्शन ही फ्लाइट मोड है और आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के फीचर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। नीचे के जो तीन ऑप्शंस हैं ये तो आपको होम पे प्लस बटन पे दिख रहे थे। रही बात ऊपर के अगर ऑप्शंस की, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से मैंने बताया, प्राइवेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें। यूनिवर्सल सेटिंग्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी स्टेटस, आपको स्टेटस की एमबी लिमिट इंक्रीज़ करनी है। जैसे आप कोई भी वीडियो स्टेटस अपलोड करते हैं तो 80 एमबी तक का वीडियो स्टेटस आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे आपको हाइड करना है जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ या इमेजेस या आईएफ्स जो भी आपकी शेयर की जाती हैं जो व्हाट्सएप पे, तो आप चाहते हैं वो गैलरी पे शो ना करें तो आप इन तीन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। चैटेड्स को इनेबल कर लीजिए, ऐसे ही अगर आपको जो लिमिट है 5 फॉरवर्ड की आप उसको डिसेबल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई बंदा आप कोई मैसेज किसी को फेवर शेयर करना चाहते हैं तो 5 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर यो व्हाट्सएप में 300 लोगों तक आप मैसेज शेयर करने के फीचर आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे। क्लिक कर लीजिए, बाकी के ऑप्शन में कुछ खास फ़र्क नहीं आया, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो जाकर इसको डाउनलोड करिए, यूज़ कर लीजिए। रही बात एड्स की, लगातार मुझे कमेंट आते हैं एड्स को लेकर, तो मैंने आपको इसका सलूशन बता दिया है। और अगर याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि एड्स आते क्यों हैं। एड्स आने का एक बड़ा कारण ये है कि एड्स ही इनको पैसे पे करते हैं, उसकी वजह से आपको ये सर्विस कॉस्टिंग वगैरह मेंटेन कर पाते हैं। तो एड्स को आप देखिए या फिर आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, इसके बाद कुछ स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके इन एड्स को आसानी से ब्लॉक कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।